चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। आज आप लोगों को जो मैं यूनिट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी वैल्यू भी कैरी करता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। हम सब ने संसार की रचना के बारे में सुना है, ये पृथ्वी बनी कैसे। हर धर्म के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री क्या बताती है, या इंडियन रिलीजियस थिंकिंग, जिसे मैं माइथोलॉजी नहीं कहता, माइथोलॉजी इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम मिथ, ये तो भ्रम है, सत्य नहीं है, लेकिन हम अपने देवताओं को, भगवानों को हमेशा सत्य मानते हैं। सो मैं इसको भ्रम नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो हमें ग्रंथों में बताया जाता है वो शाश्वत सत्य है। और हमें ये बताया गया है कि पृथ्वी की रचना शिव और शक्ति के मिलन से हुई। इस संसार में जो भी कुछ आप देख सकते हैं वो शिव और शक्ति के मिलन से हुआ। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही कुछ जिक्र है एडम और ईव का, कि संसार में सबसे पहले दो ही लोग थे, एडम और ईव, और फिर उनके मिलन से ये पूरी दुनिया एग्जिस्टेंस में आई। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हमारा एक यूनिट बनाया गया है, लैंडस्केप ऑफ सोल। लैंडस्केप ऑफ सोल दो गजब के आइडियाज के ऊपर काम करती है, दो अलग अलग दुनिया के हिस्सों की फिलॉसफीज को समझाती है। एक है फिलॉसफी ऑफ एशिया, जहां पे स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है। हम सब लोग स्पिरिचुअल लीडर, संत महात्माओं का देश माना जाता है हमारे देश, ये संतों की धरती है ऐसा कहा जाता है। दूसरी तरफ आप अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे, यूरोप और अमेरिका की तरफ देखेंगे, तो वो फैक्ट वर्ल्ड है, वो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रूवन थिंग्स में बिलीव करते हैं। उनके लिए धार्मिक रिचुअल्स के कोई मायने नहीं है। आपने किसी क्रिश्चियन को हवन करते हुए, आहुति देते हुए, योग करते हुए पहले नहीं देखा था, अब तो खैर हम मल्टी कॉस्मोकल्चर वर्ल्ड बन चुके हैं। कई सारे गोरे गोरे लोग आप लोग को ब्रिटिशर्स दिखेंगे हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए, शिव जी की भभूत लगाते हुए, हमारे कई सारे लोग उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इट्स एन अमालगमेशन टुडे, बट ट्रेडिशनली ऐसा नहीं था। तो ट्रेडिशनली क्या था? ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट यही रहा कि भारत की तरफ वाला जो हिस्सा है, जिसे ईस्ट कहा जाता है, एशिया कहा जाता है, ये स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, आत्मीयता पे चलते हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसको वेस्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहां पे मटेरियलिस्टिक प्रूवन फैक्ट्स आर कंसीडर्ड रियल। दोनों के बीच क्या अंतर है, दोनों अपनी अपनी जगह पर कैसे सही है, आइए समझते हैं हमारे आज के यूनिट में, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ सोल। हमारे आज का यूनिट का नाम है बेटा लैंडस्केप ऑफ सोल। मैंने स्क्रीन शेयरिंग शुरू नहीं की थी ना भैया, जस्ट आई हैव स्टार्टेड द स्क्रीन शेयरिंग बेटा, आई वाज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द यूनिट टू यू, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी, बट राइट नाउ आई एम होपफुल कि आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रही हो तो प्लीज रेज योर हैंड बेटा, इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। चलिए यूनिट शुरू करते हैं, लैंडस्केप ऑफ सोल, रिटन बाय नैथली ट्रेवरी। ध्यान से सुनिए, एक कहानी सुना रहा हूं, दंत कथा सुना रहा हूं। चाइना के एक महान फिलोसोफर वु दाओजी। आइए कहानी सुनते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड, टेल मतलब कहानी, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वु दाओजी। अब आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूं कि वु दाओजी कौन थे। वु दाओजी एक जाने वाले चाइनीज पेंटर थे, उसके साथ वो ग्रेट फिलोसोफर थे, इवन उनकी खुद की एक थॉट प्रोसेस थी जिसको दाओइज्म भी कहा जाता है। जैसे बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने वाले को बुद्धिज्म कहते हैं, हिंदू धर्म की विचारधारा के फॉलोअर्स को हिंदुइज्म कहते हैं, उसी तरह से दाओ की फॉलोइंग करने वालों को दाओइस्ट कहते हैं। उसकी बहुत एक अच्छी फिलोसफी थी। वो लिव्ड इन 8th सेंचुरी, तो कौन सी शताब्दी का पेंटर है बेटा, 8वीं शताब्दी। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. अब
आपको बता दूं मैं लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप ऐसा समझिए कि धरती और आकाश का मिलन, उसमें पहाड़ होंगे, बहते हुए झरने होंगे, नदियां होंगी, खूबसूरत प्राकृतिक नजारा जिसमें प्रकृति भर भर के लिए। लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनज़ोंग, 8वीं शताब्दी में चाइना में टैंग परिवार का राज था और उस परिवार के राजा थे जुआनज़ोंग। जुआनज़ोंग ने इनको इनको ऑर्डर दिया कि मेरे लिए एक पेंटिंग बनाइए टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और पेंटिंग किस चीज के लिए बनानी थी बेटा? पैलेस की एक दीवार को डेकोरेट करना। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। वु दाउजी ने जो पेंटिंग का अपना पूरा काम था एक स्क्रीन के पीछे छुपा के रखा था, सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि सिर्फ राजा ही उसे देख सके और कोई ना देख सके। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। जब पेंटिंग खत्म हो गई तो वु दाउजी बुलाते हैं उसको, महाराज आइए देखिए मैंने आपके लिए पेंटिंग बना लिया। कई देर तक, बहुत देर तक वु दाउजी की बनाई हुई पेंटिंग को जुआनज़ोंग देखता रहा, तारीफ करता रहा, देखता रहा, तारीफ करता रहा। उसने उसे एडमायर किया, बेटा एडमायर द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वॉटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हेलीपैड्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। क्या खूबसूरत नजारा बना था, क्या क्या उसमें कवर था, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच थिंग्स वर कवर्ड इन द लैंडस्केप, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वॉटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, मैन ऑन हेलीपैड्स एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए पंछी। वो कहते हैं वो दाउजी उस राजा की तरफ देख के कहता है, लुक सर, देखिए महाराज, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। अब उस खूबसूरत पेंटिंग में पहाड़ के नीचे एक गुफा बनी हुई दिखाई दे। पेंटर वो दाउजी उसे कहते, देखिए महाराज उस खूबसूरत गुफा को देखिए, ड्वेल्स अ स्पिरिट एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ड्वेल्स अ स्पिरिट, इस केव में एक आत्मा है। द पार्टनर The painter clapped his hands. Painter ने ताली बजाई. And the entrance of the cave opened. उसको चौंकाते हुए उस गुफा का दरवाजा खुल गया. The inside is splendid, amazing. वो दाउजी ने कहा कि पेंटिंग के अंदर का जो गुफा के अंदर जो नजारा है वो अमेजिंग है, गजब है. Beyond anything words can tell. इतना खूबसूरत है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मुझे ये रास्ता दिखाने दीजिए कि कैसे उसकी तरफ पहुंचा जा सकता। द पेंटर एंटर्ड द केव, उस राजा के सामने उस पेंटिंग में बनी हुई गुफा में वो पेंटर एंटर कर गया, घुस गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड, और जैसे ही अंदर गया दरवाजा बंद, जैसे ही अंदर गया दरवाजा बंद। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, अटर मतलब कह पाना, मुंह से एक शब्द निकाल पाना। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो राजा मुंह से एक शब्द निकाल पाता, कुछ कह पाता, उसके पहले पेंटिंग दीवार से गायब। नॉट ए ट्रेस ऑफ वु दाउजी ब्रश वॉज देयर, वु दाउजी के ब्रश का एक छोटा सा तिनका भी नहीं दिखा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट हमेशा के लिए उस पेंटिंग में समा गया, दुनिया ने फिर कभी वु दाउजी को नहीं देखा। अब आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जब वु दाउजी को राजा जुआनज़ोंग बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे लिए मेरे मुताबिक पेंटिंग बनाओ, तो राजा अपना आधिपत्य उसके ऊपर जमाते हैं। उसके सामने वु दाउजी जो पेंटिंग बनाते हैं उसके अंदर गुफा का क्रिएट करना और उसे गायब हो जाना, वो उसको दिखाता है कि तुम इस धरती के राजा हो सकते हो लेकिन तुम मेरे राजा नहीं हो, मेरे मालिक नहीं हो, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी थिंकिंग के ऊपर शासन सिर्फ मेरा है, मेरी क्रिएटिविटी,
मेरी थिंकिंग के ऊपर शासन सिर्फ मेरा है, उसका राजा सिर्फ और सिर्फ मैं। Such stories played an important part in China's classical education. ऐसी कहानियां आपको चाइना के इतिहास में भरपूर मिलेंगी। The books of Confucius and Zhuangzi, ये वहां के ग्रेट फिलोसोफर्स रह चुके हैं ना, कन्फ्यूशियस और Zhuangzi, are full of them, उनसे भरी हुई है। They help the master to guide his disciple. ये कहानियां एक गुरु को अपने शिष्य, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, इन द राइट डायरेक्शन, ये कहानियां मदद करती थी कि गुरु अपने शिष्य को सही रास्ते पर ले जाए। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट शब्द का मतलब होता है किस्सा, कोई कहानी बताई जाए उसे एनेक्डोट कहते हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, ये सारी कहानियां आत्मा का वर्णन करती। इतने हिस्से में अगर किसी को डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तीन डाउट्स आए हैं। बेटा ड्वेल शब्द का मीनिंग होता है कहीं रहना। ओके, एनेक्डोट किस्सा पौराणिक कथा, कन्फ्यूशियस ये वहां का एक ग्रेट फिलोसोफर था। लास्ट की दो लाइन वापस बताओ, कोई बात नहीं। ऐसी कहानियां चाइना के इतिहास में बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको, चाहे फिर वो उनके महान फिलोसोफर कन्फ्यूशियस हो या Zhuangzi हो। उनकी कहानियां अक्सर गुरुओं को, शिष्यों को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करती। ऐसी कहानियां आत्मा के ज्ञान की तरफ ले जाती। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड। It seems nobody is having doubt, so we are moving ahead. Of the spirit which art was considered, contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. कहते हैं कि एक इतिहास में चाइना के एक और कहानी भी मिलती है कि एक पेंटर था जिसने ड्रैगन का पेंटिंग बनाया था, लेकिन उसकी आंख ड्रॉ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मेरी पेंटिंग इतनी रियल है कि अगर मैं इसकी आंख बना दूंगा ये जो ड्रैगन है ये पेंटिंग से बाहर आ जाए और दुनिया में तबाही मचा देगा, इसीलिए उसने कभी उसकी आंख बनाई ही नहीं। अब इसके एकदम उलट हम आपको ले चलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक शहर एंटवर्प। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि एंटवर्प कहां पे आया। कईयों के मन में क्वेश्चन होता है, सर ये एंटवर्प कौन सी कंट्री में है, तो मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे पता है। ये यूरोप का एक सिटी है, बेल्जियम में, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में है। यूरोप का सिटी है बेल्जियम, वहां का। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quintin Maxis, blacksmith का मतलब होता है लोहा। I repeat, मैं फिर से बता देता हूँ, Antwerp जो है ये बेल्जियम का एक शहर है और वहां का एक गजब का टैलेंटेड एक लोहार था जिसका नाम था Quintin Maxis। He fell in love with the painter's daughter. अब उस Quintin Maxis को प्यार हो गया एक पेंटर की बेटी। The father wouldn't accept a son-in-law in such a profession. लेकिन उस लड़की के पिता जिद पे अड़े थे कि मैं किसी लोहार से अपनी बेटी की शादी नहीं करूं। So Quentin sneaked into the painter's studio. Sneak का मतलब होता है छुप के घुसना, किसी जगह पर सेंधमारी करना, बिना बताए घुस आना, उसको sneak कहते हैं।
So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. Quentin वहाँ घुस आता है और उसने पेंट की एक मक्खी उस पेंटर के जो सबसे लेटेस्ट पैनल था जिसपे वो पेंटिंग आके करने वाला था उसके ऊपर उसने एक मक्खी ड्रॉ कर विद सच डेलिकेट रियलिज्म. इस शब्द की मीनिंग ध्यान से सुनिए. डेलिकेट शब्द का मतलब होता है नाजुक. रियलिज्म सच लगने वाला. दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. वो इतनी खूबसूरती से इतना नाजुक तरीके से उसने मक्खी ड्रॉ की थी कि पेंटर जो मास्टर पेंटर था उसको लगा कि ये सच्ची मक्खी है और उसने उसे भगाने की कोशिश की, उड़ाने की कोशिश की. स्वेट इट अवे का मतलब होता है भगाने की कोशिश करना. जब उसे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है, क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस. अप्रेंटाइज क्या होता है बेटा, ट्रेनी. जो काम सीखता है उसको अप्रेंटाइज करता है. तो जब उसको पता चला कि यार इसने तो अपना प्यार पाने की खातिर इतनी गजब की कलाकारी सीख ली, पेंटर बन गया बंदा, उसने अब इसको अपने यहां एडमिशन दे दिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. Quentin ने अपनी प्रेमिका से शादी की और उस युग के सबसे महानतम पेंटर्स में से एक बना. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों कहानियां हमको समझाती हैं कि दोनों आर्ट फॉर्म क्या हासिल करना चाहते हैं. इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल देना. अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब क्या होता है, इल्यूजन होता है भ्रम पैदा करना. ये दोनों कहानियां फर्क समझना. मक्खी जो है वो रियल लग रही थी जबकि पेंटिंग के अंदर जो गुफा थी वो तो रियल थी नहीं. समझे बेटा. इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. यूरोप में बाहर की दुनिया को इंपॉर्टेंस है जबकि एशिया में अंतर्मन को, स्पिरिट को इंपॉर्टेंस है. इतने हिस्से में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं बेटा. डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. चलिए एक डाउट आया है बेटा. स्नीक्ड का मतलब नव्या होता है, मैंने बताया था, किसी के घर में या किसी की जगह पे छुप के घुसना, उसको स्नीक्ड कहते हैं. राजा थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. बेटा नव्या डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक. डेलिकेट मतलब नाजुक. चलिए अब अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं. इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस. कमीशंस का मतलब होता है ऑर्डर देना, ड्यूटी देना, टास्क देना. कमीशंस का मतलब होता है ड्यूटी देना, ऑर्डर देना, टास्क देना. अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. वो किसकी तारीफ कर रहा है, उसकी आउटर अपीयरेंस. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. आर्टिस्ट उसको अपने काम की सच्ची मीनिंग बताता है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी. टेरिटरी मतलब कंट्री, लैंड. टेरिटरी मतलब कंट्री, लैंड. आई रिपीट, टेरिटरी मतलब कंट्री, लैंड, इलाका जहां पे आपका कब्जा हो. टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीत लेना, जीत हासिल करना. कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीत हासिल करना. आई रिपीट, कॉन्कर्ड शब्द का मीनिंग होता है जीत हासिल करना. बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट को पता है अंदर जाने का रास्ता. लेट मी शो द वे द दाओ. अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैप. यहां पे जब दाओ कहता है लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, इससे वो दो चीजें बता रहा है. वो शायद अंदर जाने का रास्ता बता रहा है या फिर अपनी फिलॉसफी बता रहा है. ये दो चीजें वो सिद्ध कर रहा है. एंड द मिस्टीरियस. मिस्टीरियस मतलब सीक्रेट से भरा हुआ, अनसुलझा, रहस्यमय. And the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal. Painting तो गायब हो गई, लेकिन artist ने अपना goal हासिल कर लिया. Beyond any material appearance.
और इसीलिए जैसे उसने अपना मकसद हासिल किया वहां से सब कुछ गायब हो गया. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट फॉर रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. आपको जो चाइनीज पेंटिंग्स दिखेंगी उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, वो काल्पनिक होती है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है जिसे आप पोर्ट्रेट भी कहते हैं, आंखों से देखे गए नजारे को बनाना. आपको फिलोसफी का फर्क समझा रहा हूं बेटा. चाइनीज फिलोसफी और जो एशियन फिलोसफी है वो फिक्शन पे चलती है, कल्पना से चलती है. इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कहते हैं. मेरे मन ने जो सोचा वो बना दिया. आप किसी चीज को साक्षात ना देखें लेकिन आंखें बंद करके इमेजिन करें कि ऐसा ऐसा होगा और पेंटिंग ड्रॉ करें, उसको कहा जाता है फिगरेटिव, उसको कहा जाता है बेसिकली चाइनीज आर्ट. जबकि वेस्टर्न आर्ट बिलीव करता है फिगरेटिव पेंटिंग, मतलब आपके सामने रखी चीज हो उसको देखो और वैसे का वैसा ड्रॉ करो. वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. फर्क समझ. चाइनीज आर्ट या एशियन आर्ट आपको दिखाना चाहता है अलग अलग व्यूज. आप पेंटिंग को किसी भी तरीके से देख सकते, लेकिन जो वेस्टर्न आर्ट है वो आपको मजबूर करेगा कि मैं जिस तरह से दिखाना चाहता हूं वैसे ही देखो. From a specific angle, the Chinese painter doesn't choose a single viewpoint. His landscape is not a real one and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down. Then back again in a leisurely movement. Leisurely मतलब आराम. तो आप landscape को किसी भी angle से देख सकते हो. आप उसमें, मैं आपको example दे रहा हूँ. हाँ बेटा, just a minute. मैं आपको एक photo दिखा रहा हूँ. तो आपको आसानी हो जाएगी. Of a Chinese landscape. मैं आपको एक पेंटिंग दिखा रहा हूं बेटा, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा. एक सेकेंड, बड़ी साइज में डाउनलोड कर लूं तो मुझे समझाना आसान है. जस्ट अ मिनट. बेटा अब इस पेंटिंग को आप देखिए, आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं. आप इसमें ऊपर की तरफ पहाड़ियों को देख सकते हैं, झरने को देख सकते हैं, पेड़ों को देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले सकते हैं, बहती हुई नदी को देख सकते हैं. समझे बेटा? तो यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर आर्ट फ्रॉम एनी वे यू वॉन्ट टू. ये आपको मल्टीपल ऑप्शन देते हैं एंट्री. हर किसी की आंख अपना पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढेगी. इसे बेसिकली चाइनीज लैंडस्केप आर्ट कहा गया. समझे बेटा? बेटा पूरे एशियन कॉन्सेप्ट का ही डिजाइन ऐसा होता है. इवन आपको मैं इंडियन लैंडस्केप पेंटिंग दिखाऊं तो वो भी आपको सिमिलर ही दिखेगी. अब चलिए आपने बात निकाली है तो मैं आपको आइडिया देता हूं. इसलिए मैंने इसको चाइनीज कॉन्सेप्ट से ज्यादा एशियन कॉन्सेप्ट कहा. कुर्ते पेंटिंग्स अपने बचपन में बनाई भी होंगी. भरमार है. तो आप इस पेंटिंग को देखिए. अभी ये पेंटिंग देखिए, इसने आपको कई सारी चीजें दिखाई. आपने कई बार ऐसी ड्राइंग्स खुद ही बनाई होगी. एक झोपड़ी है, पीछे से देखिए धूप निकली हुई है, पेड़ है, पानी का एक झरना है, ऊपर पंछी है, छोटी मोटी झोपड़ी है, लोग काम पे जा रहे हैं, ये कार खड़ी है. समझे बेटा? ऐसी कॉमन पेंटिंग्स तो हम कई बार बना भी चुके हैं. ओके, सो जापान, कोरिया, दे ऑल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ आर्ट. सिमिलर आर्टवर्क आपको एशिया में मिल जाएगा. इसे इसे बेसिकली कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट.
अपने मन से सोचकर बना दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, पुराने जमाने में संदेश देने के लिए एक लकड़ी की बनी हुई पोथी दी जाती थी जिसको ऐसे फोल्ड करके खोलते थे, उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहते। एक सेकेंड, मुझे वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत टॉपिक ऐसा है ना बेटा, मैं आप लोगों को जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपने इसको कई बार फिल्मों में तो देखा, एक मिनट ना बेटा, इसमें कैसा होता है, जैसे कैसे थिएटर में पड़े होता है, जैसे जैसे खोलते जाओ वैसे वैसे वो अट्रैक्टिव लगता है। इसको आपने बाहुबली में देखा है, एक ये ना, ये आपको दिखाते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बनाया क्या, संदेशा जो भेजा जाता है वो एक कपड़े पे लेके भेजा जाता है और दोनों तरफ से येलो कलर का होता है, उसको फोल्डेड को ओपन करते हैं और पढ़ के सुनाते हैं कि महाराज क्या आपने, देख लीजिए छोटा सा एक मिनट का वीडियो है, ये आपको दिखाता है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कैसे बनाया जाता है। इसमें साउंड नहीं है तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये दिखा रहा है आपको कैसे बनाया जाता है। देखिए ऐसे आपने कई संदेश फिल्मों में देखे होंगे कि कोई महाराज को पढ़ के सुनाता है कि आपके लिए क्या संदेश आया, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इस तरह से होता है, जैसे आप उसे ओपन करते जाते हैं तो ऐसे वैसे अंदर की चीजें खुल के बाहर आना शुरू हो जाती है। देख रहे हैं आप लोग बेटा, ये देखिए ओपन करता जा रहा है, तो ये जैसे जैसे ओपन होता है वैसे वैसे वो आपको समझ में आने लगता है, इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहते हैं। चलिए भाई, अरे यार लेक्चर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, कहानी हमारी अधूरी रह गई, मुझे लगा आज मैं पूरा कर लूंगा, कोई बात नहीं, इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, बाय नाउ बेटा।